सो गाइज, ये है यूट्यूब मास्टरी कोर्स का वीडियो नंबर 19। अगर अभी तक आपने यूट्यूब मास्टरी कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप अपने चैनल को फास्ट ग्रो कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। तो अब चलते हैं वीडियो की ओर। तो अगर आप यूट्यूब पर रेगुलर वीडियोस अपलोड करना चाहते हो, यूट्यूब से भी अर्निंग करना चाहते हो और आप जॉब करते हो या स्टडी कर रहे हो, तो मैं आपको जेन्युइन टिप्स देने वाला हूं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आप यूट्यूब पर भी रेगुलर हो जाओगे और अपना जॉब भी कर लोगे और स्टडी भी चलती रहेगी। तो बने रहो वीडियो में एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। अगर आप यूट्यूब पर एक दिन में एक वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो भाई बहुत ही ज्यादा आसान है, टाइम वेस्ट करना बंद कर दो तो भाई आप यूट्यूब पर रेगुलर अपलोड कर सकते हो और अपना पढ़ाई भी करते रहो। लेकिन करें कैसे, वही तो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट, सपोज आप कॉलेज में या स्कूल में 8 बजे चले जाते हो, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता कि भाई आप सभी का टाइमिंग क्या है, और आप वहां से 2 बजे वापस आ जाते हो तो आपके माइंड में वहां पे भी यूट्यूब ही चलता रहेगा। तो भाई उस टाइम आपको यूट्यूब अपने माइंड से निकालना होगा, वरना वहां पे कुछ ही नहीं कर पाओगे, सीरियसली। जब हमारा कॉलेज का टाइम होता है तो हम ये सोचते हैं कि यार कॉलेज भी चलता रहे और हम पार्ट टाइम जॉब भी कर लें। तो जब आप जॉब के लिए टाइम निकाल सकते हो तो यूट्यूब के लिए क्यों नहीं निकाल सकते। मेरा एक फ्रेंड था मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, अब वो कॉलेज से फ्री होते ही होटल पे चला जाता था और उसको 5 to 6,000 rupees मिलते थे, और वहां पे मेरे को नहीं पता भाई वो 6 से 7 घंटे देता था, रात को आता था। मेरे कॉलेज टाइम में मैं भी उसको देखकर यही सोच रहा था कि यार मैं भी जॉब कर लेता हूँ, मेरा खर्चा उधर से निकलता रहेगा और अपना पढ़ाई भी होती रहेगी। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने यूट्यूब पर रेगुलर वीडियोस बनाए थे उस टाइम। अब यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है। अब अगर आपके फैमिली वालों को पता चलेगा कि भाई यूट्यूब पर रेगुलर वीडियोस बना रहा है और स्कूल में भी जा रहा है या कॉलेज में है, तो भाई आपको रेगुलर वीडियोस बनाने के लिए अपने पेरेंट्स को समझाना होगा। जब आप अपने पेरेंट्स को समझा दोगे तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, जब आप टेंशन फ्री हो जाओगे। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि भाई ना बताओ तो ज्यादा बेहतर है, ग्रो होने के बाद बता देना। ओके, तो आप 8 से लेकर 2 बजे तक स्कूल में हो, वहां से आने के बाद भाई आपका कोचिंग वगैरह होता होगा तो वहां पे जाओ। तो वहां से आने के बाद आप क्या करते हो, टाइम वेस्ट करते हो। टाइम मतलब कहाँ पे देते हो, कभी क्रिकेट खेलने चले जाते हो, कभी फुटबॉल खेलने चले जाते हो या कुछ और, ये भी जरूरी है, इंजॉय भी होना चाहिए, लेकिन अपने काम को छोड़कर इंजॉय करोगे आप? तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना फुटबॉल में दे रहे हो, क्रिकेट में दे रहे हो, वो टाइम आप यूट्यूब पर दे दीजिए और दिल से काम करना। कभी आपके माइंड में फुटबॉल और क्रिकेट ही चलता रहे कि यार आज तो मैं ऐसा खेलता वहां पर, तो आपको वो टाइम यूट्यूब पर देना है। स्क्रिप्टिंग करो, वीडियो को शूट करो, एडिट करो या कुछ भी करो। और मेरे को पता है कि भाई आप पबजी ये गेम्स में फालतू में टाइम वेस्ट करते हो। अगर आप टाइम वेस्ट करते रहोगे तो भाई क्या करोगे, इससे अच्छा तो गेमिंग चैनल खोल लो, गेमिंग चैनल बनाओ, उसको ग्रो करो, भाई आपके पास पैसा भी आएगा। क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करते हो, क्यों चैलेंज करते हो दूसरे को, देख मेरे पास इतनी आरसी हो गई। आरसी या यूसी क्या होता है। सेकंड पॉइंट, ये मिस्टेक भूल कर भी मत करना। आप स्कूल में जा रहे हो या कॉलेज में जा रहे हो, वहां से वापस आने के बाद तुरंत यूट्यूब, पहले आपको वो करना है जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं। अब आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाना चाहते हैं और आप उसको छोड़कर YouTube पर टाइम दे रहे हो। अगर आपका कोचिंग का टाइम हो रहा है, अगर आप वो छोड़ रहे हो और YouTube को टाइम दे रहे हो, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियां की भाई। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप स्टडी को छोड़कर YouTube की ओर जा रहे हो, मतलब आपको करना है, स्टडी भी करनी है, YouTube भी करना है, तो आप YouTube को छोड़ दीजिए उस टाइम, पहले स्टडी करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपके घर वाले पैसा दे रहे हैं ना, या आप खुद भी दे रहे हो, पैसा तो जा रहा है ना। अब आपको YouTube को एज अ पार्ट टाइम लेकर चलना है, उससे भी आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। वो कैसे, अब ऐसा तो नहीं है कि आप 24 आवर्स पढ़ते रहते हो भाई, ऐसा तो मैंने आज तक कोई इंसान नहीं देखा। सोना भी पड़ता है और भी बाकी के काम होते हैं, तो भाई आपको कम से कम 4 घंटे तो मिल ही जाते होंगे। 4 घंटे नहीं मिलते, 2 घंटे मिल जाते हैं, तो आप ओनली 2 आवर्स में एक वीडियो रेडी कर सकते हो बहुत आसानी से। वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और टॉपिक भी फाइंड कर सकते हो 2 घंटे में। और मेरे को पता है कि 2 घंटे तो आपको इजीली मिल जाते होंगे। और कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि यूट्यूब पर ज्यादा फोकस ना करें, लेकिन हो नहीं पाता भाई। होता नहीं है, आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके फैमिली वाले आपसे फोन भी छीन सकते हैं। तो होता कुछ भी नहीं है, आपको करना पड़ता है। तो लास्ट में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हो
आपको भी पता है कि आप कौन सा टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे फालतू में घूम रहे हो। अपने दोस्तों को टाइम दो, लेकिन लिमिट से ज्यादा नहीं। अगर आपका फ्रेंड टाइम वेस्ट कर रहा है तो आपको नहीं करना है, आपको अपने काम पे फोकस करना है। और आपको यूट्यूब चैनल ग्रो करना है तो ये सब फॉलो करना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं आपसे मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए यूट्यूब मास्टरी कोर्स देख लो भाई, आप अपने चैनल को फास्ट ग्रो कर सकते हो और ये वाला वीडियो भी देख सकते हो। मैं आपसे मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना एंड बाय।